हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 के ही जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे सारे रूल्स को डिस्कस किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो आप लोग जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, अगर आप बीपीएससी एमबीआई की तैयारी करते हैं तो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के भी सारे जो रूल्स रेगुलेशन एक्ट थे सारे कंप्लीट कर दिए गए, उसका प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए ट्रेड सर्टिफिकेट शैल बी मेड इन फॉर्म। ओके, तो जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, किस फॉर्म को अप्लाई करके ट्रेड सर्टिफिकेट का ग्रांट या रिन्यूअल करवाते हैं, तो ये इसका जो आंसर होगा ये होगा फॉर्म नंबर 16। फॉर्म नंबर 16 को अप्लाई करके ट्रेड सर्टिफिकेट का ग्रांट या रिन्यूअल करवाता है। हम लोग यहाँ पे सारे फॉर्म के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों को सारे फॉर्म भी ध्यान में रखना है। जैसे ये फॉर्म नंबर 17 है, ये है इशू ऑफ ए ट्रेड सर्टिफिकेट, मीन्स कि आपने 16 से अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो फॉर्म 17 में आपको ट्रेड सर्टिफिकेट इशू करेगी। ओके, जो फॉर्म नंबर 18 है, फॉर्म नंबर 18 में क्या होता है, इशू ऑफ डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट। ओके, इसमें डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जैसे लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ट्रेड सर्टिफिकेट, तो ये फॉर्म 18 में इशू किया जाता है। अगर वो जो डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, अगर उसके इशू होने के बाद अगर ओरिजिनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिल जाता है तो जो डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट है उसको सरेंडर करना होता है। ओके, जो नेक्स्ट है हमारा ये फॉर्म नंबर 19, ये है रजिस्टर ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर, जैसे रजिस्टर होता है, रजिस्टर मेंटेन करना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था कल। ओके, प्रीवियस लेक्चर जो थे चैप्टर 3 के वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार तो ज़रूर देखे ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि हमने सारे चीज़ पढ़े हैं, हमें ये चीज़ें पढ़नी है। ओके, रजिस्टर होता है जो कि ट्रेड सर्टिफिकेट जिनको मिलता है उनको रजिस्टर मेंटेन करना होता है। जैसे कोई व्हीकल्स को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए कहीं पे ले गया गया, कहीं ट्रिप पे गया, तो वो सारे ट्रिप को मेंटेन करना होता है, ये रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ओके, तो ये फॉर्म नंबर 19 में मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज 126 इन ए ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क BR31126, मीन्स की जो ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क है ये जो है BR31126, तो इसमें 126 का क्या मतलब है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, जो कि BR जो बताता है, BR जैसे BR या AB कुछ भी लिखा हुआ जो दो डिजिट आगे के हैं वो बताता है स्टेट कोड को। तो यहाँ पे BR है, इसका मतलब ये बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बिहार को। और जो नेक्स्ट टू डिजिट होता है, यहाँ पे जो आप नेक्स्ट टू डिजिट देख रहे हैं 31, ये जो बताता है ये रजिस्ट्रेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोड बताता है। ओके, और नेक्स्ट जो 126 होता है 3 डिजिट का, वो ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर फॉर द व्हीकल। तो यहाँ पे 126 के बारे में पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर फॉर द व्हीकल्स इसका आंसर हुआ। ओके, लेकिन आपको ये सारे चीज़ें याद रखना होगा कि जैसे यूपी के लिए है, अगर यूपी में कोई किसी को ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क मिला तो यूपी होगा, उसके बाद 2 डिजिट का वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोड होगा, कुछ भी XY मान लेते हैं, और नेक्स्ट 3 डिजिट का उसका ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर फॉर द व्हीकल्स होगा। ओके, तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो 31 है वो किस डिस्ट्रिक्ट का कोड है बिहार के लिए। ओके, आप लोगों का कमेंट का हमें वेट रहेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी रिफ्यूजेज टू इशू और रिन्यूअल ए ट्रेड सर्टिफिकेट व्हाट अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। मीन्स कि रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो रिफ्यूज कर देती है जो इशू ट्रेड सर्टिफिकेट को इशू या रिन्यूअल करने से रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है,
तो कितना अमाउंट, व्हाट अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। तो आपको पता है कि जो भी एप्लीकेंट देते हैं ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए, उनको कुछ फ़ी देना होता है। जैसे कुछ भी चीज़ों के लिए, जैसे डीएल बनवाना है तो उसको फ़ी जमा करना होता है, ओके। उसी तरह से ट्रेड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उनको एप्लीकेशन के साथ फ़ी भी जमा करना होता है। तो उसका जो अगर रिफ्यूज हो जाता है उसके एप्लीकेशन को, तो रिफ्यूज करती है अगर रजिस्ट्रिंग ऑथोरिटी, तो कितना फ़ी उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन है 25% ऑफ द फी पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन, 50% ऑफ द फी पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन, ओके, या 100% पूरा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 50% ऑफ फी पेड, मींस कि हाफ, मींस कि वन, मान लेते हैं 200 रुपीज़ का कोई एप्लीकेशन था, मींस ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए फ़ी था, तो आपको 100 रुपीज़ अगर रिफ्यूज कर दिया जाए तो 100 रुपीज़ मिलेगा। मीन्स 50%, आपको याद रखना है 50% ऑफ फी पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेड सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर, जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है वो कब तक वैलिड होता है, कितने सालों के लिए वैलिड होता है। तो इसका जो आंसर होगा 1 ईयर, 1 साल के लिए वैलिड होता है। या ऐसे भी पूछ सकता है ये ट्रेड सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर कितने मंथ्स के लिए, तो 12 मंथ्स, ओके। तो ये तो क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है कि 12 मंथ्स के लिए या मीन्स 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, रजिस्ट्रेशन मार्क्स ऑन द प्लेट शुड बी बियर द लेटर्स IND इन डैश कलर्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द प्लेट। तो आपको ये बताना है कि जो IND होता है, जो रजिस्ट्रेशन मार्क हमें मिलते हैं, जो भी नंबर प्लेट हम लोग लगाते हैं व्हीकल्स में, उसमें IND, जो कि IND जो रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो IND होता है वो किस कलर में होता है, और ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द प्लेट, मीन्स कि एक्सट्रीम लेफ्ट सेंटर में होता है, मीन्स कि कोई प्लेट है, ऐसे नंबर प्लेट है, तो लेफ्ट मीन्स लेफ्ट, ये साइड में लेफ्ट हो गया, ओके, ये जो साइड है, ये साइड लेफ्ट, ये राइट साइड, ओके। तो लेफ्ट के सेंटर में रहेगा, या अपवर्ड है तो अपवर्ड में रहेगा, इंडिया लिखा IND लिखा रहेगा, या डाउनवर्ड में रहेगा, ये चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ब्लू सेंटर, मींस कि इंडिया जो IND जो लिखा होगा, इंडिया IND वो ब्लू कलर में लिखा रहेगा, और एक्सट्रीम लेफ्ट के सेंटर पे रहेगा, सेंटर ऑफ द प्लेट, ओके। मींस कि अगर ये प्लेट है तो एक्सट्रीम लेफ्ट यहाँ पे IND लिखा रहेगा, जो कि सेंटर पे रहेगा, लेफ्ट में सेंटर पे रहेगा, ये चीज़ें यहाँ पे पूछा जा रहा है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, द रजिस्ट्रेशन मार्क शैल ऑल्सो बी पेंटेड इन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द व्हीकल इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो इसका जो आंसर होगा ट्रू, जो रजिस्ट्रेशन मार्क होते हैं वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड दोनों साइड में लिखना होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, जो भी बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, ओके, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन मार्क आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में लिखा रहता है, ओके। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रिगार्डिंग ही है, क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन मार्क शैल बी डैश कलर ऑन ए डैश बैकग्राउंड, ओके। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इस तरह के, ओके। तो जो ब्लैक, इसका जो ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट आप जनरल जो आप अपना पर्सनल यूज करते होंगे, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, ओके, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसे आपका अपना पर्सनल गाड़ी हो गया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लैक कलर से रजिस्ट्रेशन मार्क के जो नंबर होते हैं या कुछ भी फॉन्ट कलर फॉन्ट, वो ब्लैक से लिखे रहते हैं और व्हाइट बैकग्राउंड में लिखे रहते हैं, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में क्या होता है, वो लिखा होता है ब्लैक या ब्लैक और येल्लो बैकग्राउंड में, मीन्स ब्लैक से लिखा रहता है और येल्लो बैकग्राउंड होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसका आंसर होगा सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, एन एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शैल बी मेड इन फॉर्म, ओके। तो जो एप्लीकेशन होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, जैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओनरशिप, तो इस केसेस में दूसरे विद इन स्टेट या अदर विद इन अदर स्टेट, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना होता है, जैसे किसी भी तरह के कोई फ़ी तो पेंडिंग नहीं है, कोई टैक्स तो पेंडिंग नहीं है, तो इसलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें जमा करना होता है।
तो ये जो एप्लीकेशन होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए कौन सा फॉर्म में एप्लीकेशन दिया जाता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 28। ओके, 28 फॉर्म में एप्लीकेशन दिया जाता है फॉर द इशू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं जो फॉर्म 32 है। फॉर्म 32 में होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओके, ऑफ व्हीकल परचेज इन पब्लिक ऑक्शन, मीन्स की जो ऑक्शन लगते हैं, ओके, तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन दिया जाता है रजिस्ट्रिंग ऑथोरिटी को ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के लिए, वो फॉर्म 32 में। अगर कोई व्हीकल्स ऑक्शन में आपने ख़रीदा है तो उसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के लिए आपको फॉर्म 32 फिल करना होगा। जो फॉर्म 35 है वो एप्लीकेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, तो कोई फाइनेंसर है या कुछ, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, बस हम बता देते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट के लिए फॉर्म 35 है। और जो फॉर्म 33 है ये है एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ रेजिडेंस इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, तो आप कहीं भी 12 मंथ से ज़्यादा रहते हो तो आपको चेंज करवा लेना होता है, आपके जो नंबर प्लेट है, नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको उस स्टेट के लेने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप उसी स्टेट में हैं कहीं पे, तो आपको रेजिडेंस को भी आपको चेंज करवाना होता है, उसके लिए फॉर्म 33 फिल करना होता है फॉर द चेंज ऑफ रेजिडेंस इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का वैलिडिटी कितने दिनों का होता है, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, ओके, 2 ईयर्स के लिए होता है। ओके, आप लोगों को बताना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर ई कार्ट ई रिक्शा के लिए कितने दिनों का होता है, ये आपको कमेंट करना है। और आपको ये भी कमेंट करना, मैंने इससे पीछे भी पूछा था कि जो BR31 है ये 31 किस डिस्ट्रिक्ट का कोड है, बिहार के लिए ये किस डिस्ट्रिक्ट का कोड है, ये भी आपको कमेंट करना है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, ए लेटर ऑफ अथॉरिटी granted or renewed shall be effective for a period of dash years from the date of grant or renewal। जो letter of authority होता है, okay, हम लोगों को पता है कि जो letter of authority जिनके पास होता है वही certificate of fitness को issue करते हैं, okay, certificate of fitness वही issue करते हैं। तो जो letter of authority जिनको grant या renew होता है, ओके, तो वो कितने वर्षों के लिए वैलिड होता है, तो इसका जो आंसर होगा 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ओके, अगर किसी को वॉलेंट्री रिटायरमेंट वॉलेंट्री उसको सस्पेंड कैंसिल करवाना है तो वो करवा सकते हैं, उनका जो सिक्योरिटी मनी होता है वो उनको बिना इंटरेस्ट का उनको रिफंड हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा पूरा। और अगर कैंसिल होता है तो इस केसेस में अलग केसेस हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कल। ओके, और जो इसके जो फॉर्म जो 39 होते हैं, फॉर्म 39 उसमें फॉर्म इशू होता है लेटर ऑफ अथॉरिटी, जो कि लेटर ऑफ अथॉरिटी मिलता है फॉर्म 39 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा। जिनके पास फॉर्म 39 है, लेटर ऑफ अथॉरिटी है, वही सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू करता है। ओके, और इसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स के लिए होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।